हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव शर्मा, एमबीबीएस फ्रॉम जीआर मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। दोस्तों, कदम मिलाकर चलना होगा, साथ में सबको बढ़ना होगा। मेरे साथ आप भी बढ़िए, टुगेदर वी विल डेवलप अ स्ट्रॉन्गर नेशन। तो आज का हमारा टॉपिक ऐसा है कि फाइव थिंग्स यू डोंट नो और देट आर हिडन इन द लिविंग वर्ल्ड। दोस्तों, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर इज वेरी इजी, लेकिन इससे हर साल एक या दो क्वेश्चन आता है, तो हमें इसमें 8 मार्क्स पक्के करने हैं। तो आइए मैं 5 चीजें वो बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन उनसे क्वेश्चन भी बनता है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज क्या है? पहली चीज दोस्तों हमारे फोटो पीरियडिज्म के बारे में है। फोटो पीरियडिज्म में क्या दे रखा है? पहला पॉइंट है कि फोटो पीरियडिज्म अफेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स के अंदर जो फोटो पीरियडिज्म है, उसके हिसाब से प्लांट्स को वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। किसमें? प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर में, बायोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी में। तो उसमें कौन कौन से प्लांट्स हैं? लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट एंड शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। तो इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आई हैव अ स्पेशल ट्रिक फॉर दिस। तो ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग मीन्स लंबा, डे मीन्स दिन, लंबे दिन वाले पौधे। तो आप एक जगह लिख लीजिए, कॉपी पेन जरूर रखिए अपने पास और एनसीईआरटी भी रखिए। जी हाँ दोस्तों, लेक्चर इज वेरी गोइंग टू बी इनिशिएटिव, ओके, एंड इंटरैक्टिव। तो चलिए फ्रेंड्स, एलडीपी, लॉन्ग डे प्लांट, लंबे दिन। अब आप लिखते जाइए, लंबे दिन की हीट बीट स्पाइना, लंबे दिन की हीट बीट स्पाइना रेडी है। लंबे दिन की हीट बीट स्पाइना रेडी है, लिख लिया फ्रेंड्स। इसके बाद अब ये क्या है? देखिए, हीट से आ जाइए वीट पे, हीट वीट गेहूं। उसके बाद बीट, तो बीट मतलब शुगर बीट, बीट मतलब शुगर बीट, बीट मतलब शुगर बीट। लंबे दिन की हीट बीट स्पाइना, स्पाइना मीन्स स्पाइनेच, ओके फ्रेंड्स। स्पाइना रेडी फॉर रेडिश है फॉर हेनबेन, ओके फ्रेंड्स। लंबे दिन की हीट बीट स्पाइना रेडी है, इतना तो हम सभी जानते हैं। लंबे दिन की हीट बीट स्पाइना रेडी है। लंबे दिन कहाँ होते हैं? गर्मियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में हीट होती है। तो इस तरह से आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो हमारा लॉन्ग डे प्लांट ओवर हो गया। लंबे दिन की हीट बीट स्पाइना रेडी है, हीट फॉर बीट, बीट शुगर बीट, स्पाइना स्पाइनच रेडी, रेडिश है, हेनबीन। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद आते हैं हम शॉर्ट डे प्लांट पर। शॉर्ट डे प्लांट छोटे दिन, शॉर्ट डे में छोटे दिन, छोटे दिन कब होते हैं? सर्दियों में होते हैं। तो इसकी क्या ट्रिक है? छोटे दिन की आइस बर्फ, छोटे दिन की आइस तौबा, छोटे दिन की आइस, आइस तौबा शुगरसीन, छोटे दिन की आइस तौबा शुगर, तौबा शुगर और फिर सीन, CINE। चलिए फ्रेंड्स, तो छोटे दिन की आइस, आइस मतलब राइस, RICE, छोटे दिन की राइस। अब तौबा, तौबा वर्ड किस में आ जाता है? टोबैको में, TOBACCO, तौबा, टोबैको। छोटे दिन की आइस डेट इज राइस, तौबा टोबैको, शुगर मीन्स शुगर केन, एंड सीन CINE, इट रिप्रेजेंट्स ग्लाइसिन, ग्लाइसिन मैक्स, ओके। तो ये हमारे हो गए शॉर्ट डे प्लांट। उसके बाद डे न्यूट्रल प्लांट। तो डे न्यूट्रल प्लांट क्या होते हैं फ्रेंड्स? डे न्यूट्रल प्लांट्स के लिए हमारे पास ट्रिक है, टोबामे, TO, फिर नीचे BA, फिर ME, टोमेको, ठीक है, टोमेको, TO means tomato, MA for maize and CO for gossypium, that is cotton. तो tomato, maize and cotton, tomato,
अब इसका पहला एग्जांपल है टोमेटो, तो टोमेटो टोमेको याद हो गया हमको, बहुत इजी डे न्यूट्रल प्लांट। अब बात करते हैं लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट की, तो इसके एग्जांपल्स हमें याद हो जाएंगे वैसे ही, सेस्टम और ब्रायोफिलम दोनों ही नए नाम है, तो सेस्टम एंड ब्रायोफिलम आर ऑफ लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। उसके बाद आते हैं शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट के एग्जाम्पल है ट्रिटिकम वुल्गर। चलिए फ्रेंड्स, तो ये हमारी फोटोक्रिज्म के बारे में बात खत्म हो गई। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको नहीं पता हो सकती वो ये है कि ह्यूमंस आर द ओनली सेल्फ कॉन्शियस ऑर्गेनिजम्स इन दिस अर्थ, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है, लेकिन उसने अपने जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसमें ये लिख रखा है कि कैन यू नो एनी अदर ऑर्गेनिज्म अपार्ट फ्रॉम ह्यूमंस विच इज सेल्फ कॉन्शियस, तो जी हाँ इसका आंसर है डॉल्फिन। जी हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि डॉल्फिन इज द अनदर मैमल विच इज सेल्फ कॉन्शियस अदर देन मैन। दूसरी बात खत्म हो गई। उसके बाद अब हम किस पे आ जाते हैं, हमारे तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा बॉटनिकल गार्डन से रिलेटेड है। बॉटनिकल गार्डन्स हमने पढ़ रखे हैं, एक क्यू में है, और उसके बाद इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, फिर नेशनल बॉटनिकल गार्डन है, तो हम सब यहाँ पर कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है और नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है। इसकी सीधी सी ट्रिक है, इंडियन वर्ड उसमें कितने लेटर्स हैं आप बताइए, आई एन डी आई ए एन, सिक्स लेटर्स हैं, और वो कहाँ पर प्रेजेंट है, हावड़ा में, उसमें कितने लेटर्स हैं, एच ओ डब्ल्यू आर ए एच, सिक्स लेटर्स, खत्म, याद ही नहीं रखना। उसमें भी छह लेटर, उसमें भी छह लेटर, तो इंडियन में छह लेटर, हावड़ा में छह लेटर, तो वो इंडियन वाला कहाँ पर आ जाएगा हमारा, हावड़ा में, तो उसके बाद जो बचा है नेशनल वो प्रेजेंट है हमारा लखनऊ में। उसके बाद अब हर्बेरिया की बात आ जाती है। अब हर्बेरिया की जो शीट होती है उसका डायमेंशन कितना होता है फ्रेंड्स, तो उसका डायमेंशन होता है 16.5 into 11.5 inches square, ठीक है फ्रेंड्स। और हर्बेरिया की शीट पर हम जो ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन होता है उसको प्रिजर्व करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर घुमा के पूछ ले, कंजर्व करते हैं, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि प्रिजर्वेशन किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म, किसी भी डेड मटेरियल का किया जाता है, वहीं पर कंजर्वेशन किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का किया जाता है। सो दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। प्रिजर्व हम किन्हें करते हैं, जो ऑलरेडी डेड हैं और हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे म्यूजियम में हम प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और वहीं कंजर्व कहाँ करते हैं, बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ पर हम क्या करके रखते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। और वहीं हर्बेरिया की शीट, म्यूजियम, यहाँ पर प्रिजर्वेशन होता है। प्रिजर्वेशन किसके कारण होता है, फॉर्मलिन के कारण, फॉर्मलिन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम कंफ्यूज रहते हैं किसमें, व्हाट इज लीड, व्हाट इज कुपलेट की में हमने पढ़ा है। तो देखिए हमारे पास जो की होती है, की के पास अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, एक की है उसके उसके पास दो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर वन कैरेक्टर टू, ठीक है फ्रेंड्स, कैरेक्टर वन कैरेक्टर टू। तो अब एक जो कैरेक्टर वन जो बात कह रहा होगा उसका कैरेक्टर टू अपोज करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। कैरेक्टर वन कह रहा है कि मैं गौरव हूं, तो कैरेक्टर टू क्या कहेगा, नहीं ये गौरव नहीं है, ठीक है, लेकिन कहता अल्टीमेटली क्या रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट बात, ठीक है। तो कैरेक्टर वन को क्या कहेंगे, ये उस की लीड है। कैरेक्टर टू को क्या कहेंगे, ये इस की लीड है। इन दोनों लीड को मिलाकर हम क्या कहेंगे, ये एक कुपलेट है। समझ में आया फ्रेंड्स, दो अलग अलग कैरेक्टर्स जो एक दूसरे के अपोज में हैं उनको हम लीड बोलेंगे, और दोनों को साथ में जब रख देंगे हम तब उनको क्या बोलेंगे, कुपलेट, कपल, ठीक है, कपल मतलब पेयर। तो कैरेक्टर वन और कैरेक्टर टू को पेयर कर देंगे तब हम उसको बोलेंगे कुपलेट, और जो दोनों अलग अलग हैं तब उनको बोलेंगे लीड्स। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा कंटेंट। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो और मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, और मैं हूँ आपका गौरव शर्मा।